महोबा ब्रेकिंग न्यूज। महोबा कोतवाली क्षेत्र के काली पहाड़ी के समीप बुलेरो व स्विफ्ट डिजायर में भीषण भिड़ंत हो गई, जिसमें एक की मौत व दो युवक घायल हुए। सूचना पर पुलिस व एम्बुलेंस मौके पर पहुंची तथा राहगीरों की मदद से वाहनों में फंसे घायलों को बाहर निकाला और आनन फानन जिला अस्पताल लाए। यहां जिला अस्पताल में मौलाना अब्दुल हकीम हाफिज जी को चिकित्सक द्वारा मृत घोषित किया और मौलाना इलियास व यूनुस घायल हो गए, जिनका इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है। बताया जाता है कि शहर के तकियापुरा मोहल्ले में एक शादी समारोह का आयोजन गुलाब पैलेस में चल रहा था, जिसमें कब्रई के गांधी नगर निवासी मौलाना हकीम व उनके साथ मौलाना इलियास व यूनुस निकाह पढ़ाने के लिए कब्रई से आए हुए थे। जब वह निकाह पढ़ाकर वापस लौट रहे, तब भी काली पहाड़ी के पास तेज रफ्तार बुलोरो व शिफ्ट में भिड़ंत हो गई, जिसमें एक की मौके पर मौत हो गई और दो लोग घायल हो गए। पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। वही मृतक के परिवार व कस्बे में शोक का वातावरण बना हुआ है। के बाद जो एक्सीडेंट हुआ उसमें कितने लोग घायल हैं और कितने मर गए? तीन लोगों को लाया गया है घायल अवस्था, जो जिसमें से एक की मृत्यु हो चुकी थी अस्पताल आने के बाद। दो घायलों का इलाज चल रहा है, हालत स्थिर है।